Hello everyone, in this video I am going to tell you how you are going to be submitting your self-declaration as a mutual fund distributor. So har mutual fund distributor ko har financial year self-declaration submit karna padta hai MFI ko, nahi to aapki commission ruk jati hai aur ye kaam aapko 1st July se pehle karna hai. Is video mein main aapko bataunga self-declaration kaise submit karna hai aur aap kahan pe self-declaration submit karenge aur main ye bhi bataunga कि एमफी के वेबसाइट पे एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, आपको एमफी आपको जो है गूगल में एमफी की वेबसाइट सर्च करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है सबसे पहले गूगल में जाएंगे और आप सर्च करेंगे एमफी इंडिया, आपको ये सर्च करना है और जो पहला लिंक आता है दोस्तों वो आपको क्लिक करना है mfiindia.com का। जब आपने ये क्लिक कर लिया दोस्तों तो आपको ऐसी विंडो दिखती है और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर में जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर में जाने के बाद जो है आपको ऐसा विंडो दिखेगा और यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एआरएन रिन्यूअल का ऑप्शन दिखता है, आपको ये क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे और आपको ऐसी विंडो दिखेगी, यहाँ पे आपको लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो लॉग इन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर नहीं क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एआरएन को क्लिक करेंगे, अपना एआरएन डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। इन केस दोस्तों अगर आप अपना एआरएन नंबर या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, एआरएन नंबर तो याद ही होगा, तो आपको नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इससे भी आप यूज कर सकते हैं, या फर्स्ट टाइम है तो भी आप ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और ऊपर आपको जो भी नंबर्स और अल्फाबेट्स दिए हैं वो भी आपको सबमिट करना है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही डालेंगे और फिर साइन इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो ऐसा एक विंडो खुल जाता है दोस्तों, जहां पे आप अपने एआरएन को रिन्यू कर सकते हैं और अपने आप प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आप देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे तीसरा टैब दिख रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन का, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी ऑथराइज्ड थ्रू ओटीपी, मतलब आपके ईमेल पे और मोबाइल पे ओटीपी आएंगे जो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो भी ये बॉक्सेस हैं इन सबको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये सारे जो है एडवाइजरी है जो एमफी और सेबी ने आपको फॉलो करने के लिए बोला है। जब आप जनरेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे जो आपने एआरएन अप्लाई करते समय यूज किया था या बाद में जो अपडेट किया था उस पे आएगा और आपको दोनों ओटीपी अलग अलग होंगी जो आपको सबमिट करनी है। तो मैं जल्दी से अपने ओटीपी डाल देता हूं ताकि आपको बता सकूं कि फिर उसके बाद कैसा इंटरफेस आता है। तो मैंने दोनों ओटीपी डाल दिए दोस्तों, अब मैं यहां पे सबमिट करूंगा और देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अप्रूव सक्सेसफुली, अब मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर आपको मैं और भी क्या क्या यहां पे आपको अवेलेबल है वो दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपके जो प्राइमरी डिटेल्स यहां पे दिखते हैं, अगर आपको मैंने बताया आप यहां से ये कर सकते हैं। इनकेस आप अपना एआरएन रिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है जो अपना एआरएन इंडिविजुअल के नाम पे लिया है। अगर आप कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे मेरा नॉन इंडिविजुअल नाम पे एआरएन है, तो आपको फिजिकल फॉर्म भर के कैम्स के वेबसाइट में सबमिट करना पड़ता है।
आप यहाँ से प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सर्टिफिकेशन है। दोस्त जो सिर्फ EIN लेते हैं, जो किसी बैंक के साथ काम कर रहे हैं या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में काम कर रहे हैं, जिन्होंने ARN नहीं लिया है, वो भी यहां से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है दोस्तों, जिससे आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन टाइमली सबमिट कर सकते हैं। और ये सेंट्रलाइज है, तो मतलब अगर आप MFI के वेबसाइट पर करते हैं तो सारे म्यूचुअल फंड कंपनी में यह एप्लीकेबल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। इनकेस ये आपको यूजफुल हुआ तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें, हमारे कमेंट बॉक्स में एक थैंक यू मैसेज जरूर टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।